नमस्कार दोस्तों, मैं टोडा अपना एस के सक्सेस का एक बार फिर से स्वागत है। पर यही ऐसी शख्सियत है कशी साहब की दुनिया में 24 घंटे उनका जिक्र। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज तक आमने सामने बात करेंगे रफी नाइट की। बात करें आखिर किस तरीके से रफी नाइट में लोगों ने दिल जीता, माँ ने बेटे का, बेटे ने माँ का, सब ने किसी ना किसी का दिल जीता। जहाँ की बात करें, जहाँ पर हम बात करें मैं फरूकी साहब की, कि वाकई ही बाकमाल। फरूकी साहब, पहले तो आपको इस प्रोग्राम की बहुत बहुत मुबारकें, क्या कहना चाहते हैं रफी नाइट के बारे में आप? बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट दरअसल क्या है कि अक्सर व बेशतर ये बात होती है कि समाज में नफ़रत करने वाले लोग बढ़ जा रहे हैं या ज़्यादा रेडिकलिज्म है, तो उस वक्त ज़रूरत ये महसूस होती है कि मोहब्बत करने वाले तमाम लोग इकट्ठे किए जाएं और दुनिया को ये बताया जाए कि समाज में मोहब्बत करने वाले ज़्यादा हैं और नफ़रत की बातें करने वाले सिर्फ थोड़े हैं। तो ये जो फंक्शन है, ये जो इस तरह का इज्तम होता है, वो सभी मोहब्बत करने वालों को हम इकट्ठा करते हैं और सभी इंसानियत के जो अलमबरदार हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि मोहब्बत का ये कारवां इसी तरह चलता रहे। तो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ वैसे ही एक हेवनली आवाज़ है और उनके जो गाने हैं वो पुरानी नस्लों से लेकर आज तक की नस्लों के अंदर महबूब हैं। तो इसलिए हमने उनकी जो पुण्यतिथि थी उसके ऊपर फंक्शन करना था, पर थोड़ा सा ये लेट हो गया है, तो आज हमने उनकी पुण्यतिथि को उनकी यादगार जो है उस पर आज हमने ये फंक्शन किया है, और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के फंक्शन हम दोबारा और करते रहेंगे। ऐसी रफी नाइट यहाँ पर ऑडिटोरियम पहली भी हो चुकी है सर? नहीं, ये पहली बार हुई है। इस बार हमने अपने ऑडिटोरियम में अपने मुलाजमों के लिए भी, जो हमारी मुलाजिम हैं उनके लिए भी, और उन बच्चों ने यहाँ परफॉर्म भी किया है, तो हमने ये किया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पुलिस के मुलाजमों में भी वो सिन लतीफ़ जो है, फ़नून लतीफ़ा जो है, वो डेवलप हो, उनके अंदर भी एक दिल धड़के, एक हमदर्दी का जज्बा हो, इंसानियत पैदा रहे, ताकि जब वो समाज के साथ जुड़ाव में रहें तो उनके साथ इंसानियत का बर्ताव करें और उन्हें याद रहे कि हर एक इंसान मुजरिम नहीं है और उस वो डिज़र्व करता है कि उसके साथ मोहब्बत का सलूक किया जाए। रफ़ी साहब के हर एक लफ्ज़ के साथ आपको प्यार कब से शुरू हुआ? मुझे लगता है पैदाइशी है ये, जब से मैंने होश संभाला है मैं रफ़ी साहब को सुन रहा हूँ। यूँ तो देखिए किशोर कुमार साहब, मुकेश साहब बहुत अच्छे सुरेले सिंगर हैं, लेकिन जो आवाज़ रफ़ी साहब की है वो आफाकी है, वो आसमान से उतरी हुई आवाज़ है, वो दिल पे से उठती है और दिल पे असर करती है, तो इसलिए मैं हमेशा से उनका मद्दार रहा हूँ। सबसे पहला गाना कौन सा आपने रफ़ी साहब का सुना था? अब ये तो याद नहीं है, पर जब भी सुनते हैं किसी गाने को तो ऐसा लगता है शायद पहली बार सुन रहे हैं, हालांकि उसको सैकड़ों बार सुना होता है, लेकिन जब सुनते हैं उसको जब भी, तो ये लगता है कि शायद इसके अंदर अब नई जहतें और हमने देखी हैं, आज शायद पहली बार हमने कुछ नया इसमें और देख लिया है। जो है कुछ किए बिना जायजाकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आज जो आपने कोशिश की, इतना बड़ा सुर लगाया, हमने कभी सोचा नहीं था कि वाकई वाकमाल है। संदेश क्या है सर आजकल के जनरेशन का आप लोगों का? संदेश ये है कि पॉजिटिव रहें, जिंदगी जिए और बुराइयों से बचें, नशे से बचें, कोशिश करें, क्योंकि इंसान जब कभी कोशिश करता है तो नाकाम नहीं होता। तो लगातार कोशिश करते रहें और ज़िंदगी उनके लिए रास्ता बनाएगी, ज़िंदगी उनके लिए वो तमाम रिवॉर्ड लेकर के मौजूद है, सिर्फ कोशिश करने की ज़रूरत है, उस रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। मंजिल मुसाफिरों का इंतज़ार कर रही है, सिर्फ रास्ते पर चलने वाले राही चाहिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर लोग चलने का आज़म कर लेंगे, पक्का इरादा कर लेंगे, तो मंजिल उनके कदमों में रहेगी। आमने सामने का दर्शक अब वो आपसे कुछ सुनना चाहते हैं जो अभी भी लगता है कि पूरी रात बीत गई, कुछ दिल में रह गया कहने के लिए सर? नहीं देखिए, मैं ख़ास तौर से पुलिस ऑफिसर के हवाले से कहूँगा कि हर एक बुराई का बदल लेके खड़े हैं,
हर एक बुराई का बदल लेके खड़े हैं, हम जुर्म की दुनिया में गजल लेके खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर से बात करेंगे हम आमने सामने के साथ, खास तस्वीरों के साथ, किस तरीके से यहाँ पर रफी नाइट ने लोगों का दिल जीता, इसके बाद हम बात करेंगे इंद्रबीर सिंह से। कैमरामैन के साथ मैं आपका अपना एसके सिकंदर आज तक आमने सामने जलंधर से।
मेरे को बहुत सही बात में कहा है और इस समय तो इस बातों को बहुत कमजोर इस अंदाज से बात कर रहा है। बहुत अच्छा है कि आप पाया मेरे को पाया मेरे को बहुत बहुत सही बात है। रफी की आवाज को और आप मशहूर सुरों सुरों से सुनाया है, बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए हमारे एक चंडीगढ़ से हमारे कलाकार आए हैं गुरबंद गुरबाज सिंह साहब। तो गुरबाज जी आईएफएस हैं और रफी साहब का वो गाना जो मदमस्त कर देता है इस मौसम में भी, आज का ये मौसम भी आप देख रहे हैं। नेक्स्ट में चलिए भी वो थोड़ा रेस्ट करने चाहते हैं। तो आइए गुरबाज जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ गीत के लिए, उनका फुल गीत के लिए, मेरे मित्रा आया तुझको पुकारे मेरे गीत रे। कल्याण जी आनंद जी की ये धुन है और हमारे बीच कलाकार रविंद्रदास जी हैं। आ जाए आपका सवाल हमारे देखिए साथ ही भी यहाँ पर पत्रकार भी यहाँ मौजूद हैं, उनका भी इस्तकबाल करते हैं। कहाँ गए हमारे इंद्रदास जी, कहाँ गए हैं? नहीं नाम तो किसी और का, अब तुम गा दो। आइए फिर हमारे गुरबाज जी आ रहे हैं।